रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। चाहे कोई कितना भी कह ले या दावा कर ले कि वो बिहार के चुनाव में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो, पर मुख्य लड़ाई अभी भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चर्चाएं भी इस बात को लेकर के काफ़ी तेज हैं कि बिहार में अगर चुनाव होने हैं तो ये दो धड़ा ही निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है, बाकी चाहे दावा जो भी जितना कर ले ये अलग बात है। एक बार फिर से आप जैसा कि देख रहे हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के हिस्से की राजनीति अब शुरू हो गई है, लोग भी चर्चा में आ गए हैं और चाहे जितना भी कोई पोस्टरबाजी कर ले या फिर 1 करोड़ लोगों को 3 महीने में जोड़ने की बात कर ले या उससे भी अलग कोई अलग धारा बना ले, कोई भीम आर्मी अपने आप को राजनीतिक दल में ढाल ले या कोई पप्पू यादव तीसरे मोर्चे की बात कर लें, पर चर्चा सबसे अधिक अगर कहीं हो रही है तो वो है तेजस्वी और नीतीश के बीच होने वाली आमने सामने वाली टक्कर की। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं सामने आया है जो ये दावा कर दे कि वो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव दोनों को चैलेंज कर रहा है और उस चैलेंज को जनता एक्सेप्ट भी कर ले। अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के ही 15-15 साल सरकार में रहने, सरकार बिहार को चलाने का अनुभव है। दोनों एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं और इन आरोपों के बीच में जो निकल करके बातें सामने आती हैं वो बातें निश्चित रूप से बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली होती हैं। अब बात अगर करें तो नीतीश कुमार सीधे सीधे हमला तेजस्वी यादव पर न करके लालू प्रसाद पर करते हैं, कारण कि सत्ता में तो लालू प्रसाद ही थे, पर उस लपेटे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी आ जाते हैं। अब वही जो सिलसिला है उसे अपना लिया है तेजस्वी यादव ने। लालू प्रसाद के हर एक सवाल का जवाब भले नीतीश कुमार ना दें, उनकी पार्टी ना दे, पर तेजस्वी यादव उस सवालों को और बड़ा बना देते हैं पब्लिक डोमेन में, अलग अलग माध्यम पर नीतीश कुमार से सवालों का सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का है और इसे लेकर के तेजस्वी यादव यात्रा भी निकाल रहे हैं। अब उस यात्रा को लेकर के आप जानते ही हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो घूम रहे हैं और नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं कि आप बताइए कि आपने क्या किया इन 15 सालों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल का जो कोटेशन, जो कोट और प्रचार नीतीश कुमार ने किया था उससे हमने भी आपको बताया था कि सबसे पहले 15 साल बनाम 15 साल होगा ये 2020, ये भारत लाइव ने सबसे पहले बता दिया था, कारण कि एकमात्र जो सामने नजर आ रहा था मुद्दा वो मुद्दा था कि नीतीश कुमार निश्चित ही एक बार फिर से इस 15 साल के शासन को कहीं ना कहीं लालू राबड़ी के शासन से ऊपर अपने आप को प्रमाणित करेंगे, उसके लिए प्रमाण भी जुटाएंगे और उन्हीं प्रमाण के आधार पर वो अपने आने वाले चुनाव में रणनीति बनाएंगे। अब उनका सबसे बड़ा जो विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी आप बताइए कि आपने कितने लोगों को इन 15 सालों में रोजगार दिया। इस सवाल का जवाब आपको बिहार की जनता को देनी चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा है कि 15 वर्षों का हिसाब दो, नौकरी दो तो दे नहीं पाए, युवाओं के सवालों का जवाब तो दे दीजिए। आप समझ रहे हैं कि मामला कहां जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद ने भी यही बात कही थी कि यदि नौकरी नहीं देते हो तो नौकरी से अलग हो जाओ, इस्तीफा दे दो या हट जाओ। अब ये मुद्दा बेरोजगारी हटाओ और नौकरी दो का बड़ा होने लगा है। युवा पूरी तरह से अब इस बात को कहीं ना कहीं अपने हक की मान रहे हैं और यही कारण है कि लगातार बेरोजगारी के मुद्दा को बड़ा होता देख रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा चुना है, जो कि आपको पता है कि कहा जा रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा विहीन हो गई थी विपक्ष, इस बार ऐसा लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, युवाओं को अपने पक्ष में लाने में वो कामयाब रहेंगे। क्या होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, पर इतना निश्चित है कि कहीं ना कहीं अब
चुनावी मोड में पूरी तरह से आ गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस ने थोड़ा सा बिहार की राजनीति में गैप जरूर ला दिया है, पर राजनीतिक लोगों के पास मंच है और वो मंच है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर जम करके चर्चाएं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। ये दौर शायद न रुके क्योंकि कोरोना का इस पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। सरकार कोरोना के मामले में भी कितनी तैयारियां कर रही हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं, और विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।